से बड़ा जो समझो तो दान यही है, यही है। इंसान होने की पहली पहचान यही है, यही है। जिसने पाया हो जीवन में शिक्षा का धन, अनपढ़ से धन ये है बांटने का करीब जतन। एक कराए दूजे को भी अक्षर की पहचान। ज्ञानदान, मुश्किल राहों को कर दे ये आसान। ज्ञानदान, ज्ञानदान। अब तक आपने देखा कि गांव वालों की मदद से मयंक स्वामी अमृतानंद पर काबू पा लेता है। स्वामी जी की पोल खुल जाती है। वो बहला फुसला कर सुनंदा को आश्रम ले जा रहा था, जहां उसने उसकी सारी संपत्ति जबरदस्ती अपने नाम करवाने की सोच रखी थी। स्वामी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। सुनंदा गांव वालों का शुक्रिया अदा करती है और अपने खर्चे पर मंडेसर में एक प्राथमिक स्कूल खुलवाने की घोषणा करती है। मंडेसर के पास से गुजर रहे सेठ लक्ष्मीदास बलियापुर का रास्ता साक्षर हुए जीवनदास से पूछते हैं। जीवनदास सेठ को बताता है कि उनके गांव में कुछ स्कूली बच्चे साक्षरता अभियान चला रहे हैं। इस बात से प्रभावित होकर सेठ लक्ष्मीदास मंडेसर पहुंचते हैं। वहां मुखिया जी और प्रिंसिपल बंसल से बात करने के बाद सेठ जी कहते हैं कि ज्ञानदान के समापन समारोह में वो इस इलाके के एमएलए साहब को आमंत्रित करेंगे, ताकि ज्ञानदान का ये कार्यक्रम एक समाचार तथा दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। गांव से लौट रहे सेठ लक्ष्मीदास की गाड़ी को पुराना मुखिया गोविंददास रोकता है। अब आगे देखो, यह कहावत है जिसे मुहावरा कहते हैं। अब इसका मतलब मैंने कल आप लोगों को बताया था, याद है ना? क्यों चाची? हाँ बेटी, इसका मतलब है अपना काम अपने आप करने के लायक बन सकना। सही बताया चाची, लेकिन अब अगर इस कहावत को हम बातचीत में बदलना चाहें तो कैसे करेंगे? तुम ही बताओ चाची। बता तो ना सकूं बेटी, पर समझा जरूर सकती हूँ। हाँ तो चाची, समझा ही दो। बेटी, तुम लोग कल वापस जा रहे हो, पर हम तुमसे वादा करते हैं कि ये लिखने पढ़ने का काम जारी रहेगा। हम खुद किताब पढ़ेंगे, खुद कॉपी पर लिखेंगे। तुम लोगों को याद करते करते हम रोज पढ़ा करेंगे बिना किसी की मदद के। ये भी तो अपने पैरों पर खड़े होने जैसा ही हुआ ना? हाँ चाची, हुआ, बिल्कुल हुआ। अब पढ़ने की लगन आप लोगों के मन में जगाने की, आप लोगों को आगे बढ़ने की राह दिखाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। साक्षरता का, विकास का, समझदार और जागरूक बनने का रास्ता आप लोगों ने पा लिया है। अब आप लोगों को खुद ही इस रास्ते पर चलना है और आगे बढ़ना है। आप लोगों को कल मैंने जो सफाई के बारे में बताया था, अब उसी के बारे में मैं आगे बताऊंगी। एक सप्ताह में कितने दिन हुए? 7। और एक महीने में? 30। शाबाश, बहुत अच्छे। एक साल में कितने महीने हुए? 12। बहुत अच्छे। क्यों भैया, हर साल में 12 महीने होते हैं? हाँ, हर साल में 12 महीने होते हैं, पर ये तुमने क्या पूछा है? हमने सोचा शायद इस बार साल में महीने कम होंगे। कम होंगे तो फिर क्या होगा? महीने कम होंगे तो साल जल्दी बीतेगा, साल जल्दी बीतेगा तो आप हमारे गांव में जल्दी आएंगे। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भैया, हमें आप लोगों की बहुत याद आएगी। भैया, अगर ऐसी बात है तो हम आप लोगों से मिलने के लिए बीच बीच में आते रहेंगे। अजय, आप मिलने आओगे तो क्या हमें पढ़ाने नहीं आओगे आप? क्यों, अब तो आप लोग खुद बहुत अच्छा पढ़ लिख लेते हो। बस पढ़ने लिखने का ये अभ्यास करते रहो, खुद समझो और दूसरों को समझाओ।
खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। और हमारे ओमपाल भाई भी तो शहर से वापस अपने गांव लौट आए हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना लिखना है तो ये आप लोगों को पढ़ा लिखा सकते हैं। कोई कठिनाई हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। क्यों ओमपाल भाई? हाँ क्यों नहीं। हाँ भाइयों, ज्ञानदान के इस पवित्र यज्ञ में मैं यथाशक्ति अपना योगदान देने को तैयार हूं। अपने गांव के भाइयों, बहनों और दोस्तों को शिक्षित करने के इस मिशन को मैं पूरा सहयोग दूंगा और यह मेरा कर्तव्य भी है। वादा कीजिए कि आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी कहा है। करेंगे भाई, जरूर करेंगे। जो राह आपने दिखाई है उस पर आगे जरूर बढ़ेंगे। हम ज्ञानदान मिशन के समापन समारोह में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभरात्रि। और भाई विनय, क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई? अरे अजीत आओ। यार विनय, तूने कभी इस गांव के खुशगवार माहौल के बारे में सोचा है? इस गांव के चप्पे चप्पे में हरियाली है, खूबसूरती है, कितनी शांति है यार। हाँ, तभी तो मैं अक्सर यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ। आज हमारा आखिरी दिन है ना, इसलिए मैं इस कुदरत की गोद में आनंद लेने और हिसाब किताब लिखने यहाँ चला आया। आप किताब नहीं, मैं तो यहाँ अपनी डायरी लिखने आया हूँ। क्यों विनय, तुम डायरी कब से लिखने लगे? बस यहीं पर आकर शुरू की, क्योंकि मैं जिंदगी के इस तजुर्बे को भूलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं यहाँ की यादों को शब्दों में बांधकर डायरी में कैद करने लगा। भूलना तो मैं भी नहीं चाहता यहाँ की यादों को विनय। तो क्या तुम भी डायरी लिखने लगे? नहीं विनय, यहाँ का एक एक पल मेरी जहन की डायरी में कैद है। सच दोस्त, यहाँ आके जिंदगी को एक दूसरे ही नजरिए से देखने का मौका मिला। नजरिया ही नहीं अजीत, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल। मुझे तो अफसोस इस बात का है विनय कि तुम लोगों ने गांव वालों के साथ ऐसी हरकत करने का सोच भी कैसे लिया। इसके लिए तो हम पहले ही माफी मांग चुके हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था। चलो कम से कम भविष्य के लिए गांव वालों की आंखें तो खुल गई, अब वो आगे से किसी ऐसी वैसी अंधविश्वासी घटना पे विश्वास तो नहीं करेंगे। शुरू में तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि इन भोले भाले गांव वालों को ठगने के लिए जो नितिन ने स्कीम बनाई थी ना, उसमें उसने बहुत दिमाग लगाया था। यार अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से कई विद्यार्थी हैं जिनमें कितना कुछ करने की, कितना कुछ सोचने की ताकत है, मगर वो अपनी इस ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो अपनी इसी ताकत को अपनी पढ़ाई लिखाई या और रचनात्मक कामों में लगाएं तो वो अपने साथ साथ देश और समाज दोनों का भला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हो अजी, यही वो बातें थी जो हमें बहुत देर में रियलाइज हुई। इसलिए अजीत, हम तीनों ने सोचा है ना कि हम भी इस देश और समाज के लिए कुछ करके दिखा। That's the spirit. आजा फिर। Good. आदरणीय श्री हरिहर लाल जी, सेठ लक्ष्मीदास जी, गांव के मुखिया श्री शांति स्वरूप जी और प्रिंसिपल मैडम मिसेस बंसल, मंडेसर गांव के सभी वासियों और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं, आप सभी का ज्ञान दान मिशन के समापन समारोह के अवसर में बहुत बहुत स्वागत है।
तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंडेसर गांव के मुखिया श्री शांति स्वरूप जी को कि वो यहाँ आए और अपने विचार रखें। गांव में आए सभी मेहमानों का स्वागत है। हमारे गांव में शिक्षा की जो जोत जल रही है, साक्षरता की जो हवा बह रही है, हमारी सोच समझ का दायरा जो बड़ा है, इसके लिए मैं इन बच्चों बंसल बहन जी और इनके साथियों का शुक्रगुजार हूँ। इन बच्चों ने हमें पढ़ाया लिखाया ही नहीं बल्कि सही ढंग से जीना और जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया है। हुनर की बात हो, सेहत की बात हो, साफ सुथराई की बात हो या फिर बच्चों की परवरिश की बात हो, हर राह पर इन बच्चों ने हमें एक बच्चे की तरह उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात कि हमें सब सिखाया पढ़ाया हमारी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। इन्होंने कभी हमें छोटा, अनपढ़ या गंवार नहीं समझा। भाइयों, विचारों को वाणी देना इन्हीं बच्चों ने मुझे सिखाया और इसी की बदौलत आज मैं अपने विचार आपके सामने रख सका। मडेसर गांव सदा सदा के लिए इन बच्चों का आभारी रहेगा। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन सज्जन को जिनकी वजह से हमारे इस समारोह की शोभा दुगनी हो सकी, और वो हैं सेठ लक्ष्मीदास जी। वो यहाँ आए और गांव वालों के सामने दो शब्द कहे। इन बच्चों ने ज्ञानदान कार्यक्रम को कामयाब बनाकर बहुत बड़ा काम किया है। मेरा इनसे कोई बहुत पुराना वास्ता तो नहीं, लेकिन मैं ये जान गया हूं कि इन्होंने इन गांव वालों को साक्षर ही नहीं बनाया बल्कि इनका मन भी बदला है। इन्हें जीने की सही राह दिखाई। जब मैं पहली बार इस गांव में आया था और लौटकर वापस जा रहा था तो इसी गांव के पुराने मुखिया गोविंद दास ने मेरी गाड़ी को रोका। हाँ भाइयों, वही गोविंद दास जो इन गांव वालों की नजर में एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वही गोविंद दास मेरी गाड़ी को रोककर कुछ कहना चाहता था। हाँ सेठ जी, इन बच्चों और इनकी बहन जी ने उस रात मेरी सारी पोल खोल दी। इस गांव के लोग मुझे और मेरे आदमियों को बुरा समझने लगे। मैं उनका पहला मुखिया था कभी, पर अब मुझसे नफरत करते थे। अब मैंने सोचा कि अब मैं इनको इस गांव से भगाकर दम लूंगा, मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। तो क्या तुमने अपना बदला लिया? पर ज्यों ज्यों बच्चे गांव वालों के होते चले गए, उनको पढ़ा लिखा कर उनका जीवन संवारते गए, उनकी समस्याओं में भागीदार बनकर उन्हें सही हल बताने लगे, तब तो मुझे लगा सेठ जी वो सब ठीक है, शायद मैं ही गलती पर था। सेठ जी, मैं भी इस ज्ञान दान कार्यक्रम में शामिल होना चाहता था, पर अपनी पिछली हरकतों से शर्मिंदा था। मेरे गांव वालों के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी सेठ जी। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? आप जब जब गांव में आते थे सेठ जी, आपकी बातें मुझ तक पहुंचती थी। मुझे लगा आप भले आदमी हैं, आप मेरी बात जरूर समझेंगे, इसलिए मैंने आपका रास्ता रोका। तो तुम अब क्या करना चाहते हो? सेठ जी, यहाँ पर आए एक बच्चे की माता जी एक स्कूल बनवाना चाहती हैं और बनवा भी रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दूं
ताकि स्कूल अच्छा बने और बड़ा बने। और हाँ सेठ जी, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं उस स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी सकता हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, तुम चिंता मत करो। ज्ञान दान कार्यक्रम के समापन समारोह में मैं इस गांव वालों से एक बदले में गोविंद दास से मिलवाऊंगा। और ये रहा वो गोविंद दास। आओ गोविंद दास, आज ये अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर इस गांव की उन्नति के साथ जुड़ना चाहता है, साक्षरता के इस कार्यक्रम में भागीदार होना चाहता है। क्यों गोविंद दास, आज इस अवसर पर कुछ कहना चाहोगे? क्यों नहीं, जरूर जरूर कहना चाहूंगा। गांव वालों नमस्कार। हो सके तो अपने इस गुनाहगार को माफ करना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझसे जो भूल हुई है मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं, मेरी धन, मेरी संपत्ति सब आपकी, सब गांव की उन्नति के लिए है। ये सब कुछ आपका है, इसे स्वीकार कर लीजिएगा। धन्यवाद। गोविंद दास, ये रकम तुम मुखिया जी को दे दो, स्कूल के काम आएगी। जी हमारे एमएलए साहब ने वायदा किया है कि सरकार की ओर से इन बच्चों को प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम इन बच्चों को देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि बच्चे इसे स्वीकार करेंगे। सेठ जी, आपने हम सबको जो सम्मान देने की बात कही है उसके लिए धन्यवाद, पर हम कोई इनाम लेने ही नहीं चाहते। देखा जाए तो इनाम लेना हमारा बनता भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कोई इनाम देना ही है तो वो हमारे साथ साथ इन सब गांव वालों को भी देना चाहिए। अगर हमने इन गांव वालों को साक्षर बनाया है, इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया है, तो निस्संदेह हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे निस्वार्थ जीना, संतोष के साथ जीना और एक दूसरे के लिए जीना। यहाँ पर आकर हमने परिवार के आपसी रिश्तों में गहरी भावना देखी। यहाँ से हमने विनम्रता सीखी। इन गांव वालों से हमने छोटी छोटी खुशियों में भी जीवन जीना सीखा। शहर की भागम भाग की जिंदगी में जैसे हम अपनी संस्कृति और परंपरा को भूलने लगे थे, वो हमने यहीं से सीखी। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम इन बच्चों को इनाम के रूप में दे सकें। शाबाश बच्चों, शाबाश। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुनंदा जी ने गांव में स्कूल बनवाने का वायदा किया था, आज वो स्कूल बन रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ सुनंदा जी से कि वो यहाँ आकर दो शब्द कहें। सुनंदा जी। माननीय अतिथिगण, ग्रामीण भाई बहनों और प्यारे बच्चों, सरकार के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सफल और साकार बनाने के लिए ज्ञान दान मिशन ने जो योगदान दिया है वो अत्यंत सराहनीय है। इस मिशन में मेरा बेटा मयंक भी शामिल है, जिसके लिए मुझे उस पर बहुत गर्व है। ज्ञान दान मिशन के कार्यकर्ता यदि ग्रामीण हेमू को शिक्षित नहीं करते तो आज मेरा क्या अंजाम होता, ये मुझे खुद भी पता नहीं है। मुझे एक तरह से नया जीवन देने वाले ग्रामीण भाई बहनों के लिए यदि मैं कोई स्कूल बनवाना चाहती हूँ तो ये उनके ऊपर उपकार नहीं है, बल्कि ये मेरे कर्तव्य का निर्वाह है। अंत में मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ
कि आप सब इस ज्ञानदान मिशन में शामिल होकर इसे सफल बनाएं और अपना पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। और अब मैं प्रार्थना करूंगी विधायक श्री हरिहर नाथ जी से कि वो यहाँ आकर बच्चों को आशीर्वाद दें। श्री हरिहर नाथ जी, मैंने यहाँ आकर ये ज्ञान प्राप्त किया है कि इरादा पक्का हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आज गांव वालों के चेहरों को देख रहा हूँ कि इनकी आंखों में एक चमक, एक लगन और एक विश्वास है, और ये सब पाया है इन्होंने साक्षर होकर। आज भारत सरकार का प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय इस दिशा में कई नए कदम उठा रहा है, और गैर सरकारी सामाजिक संस्थाएं इस साक्षरता अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों से ही साक्षरता अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है, और इस बात को सच कर दिखाया है इन स्कूल के बच्चों ने। आप सब इस दिशा में आगे आएंगे तो सरकार भी आपका साथ देगी। और अब मैं प्रार्थना करती हूँ स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस बंसल से कि वो यहाँ आकर दो शब्द कहें। मिसेस बंसल, माननीय एमएलए साहब, सेठ लक्ष्मीदास, मेरे सहयोगी, गांववासियों और प्यारे बच्चों, ज्ञान दान प्रौढ़ शिक्षा का एक छोटा नाम। इस मिशन के जरिए मैंने तो सिर्फ अपने मन के सूर्य उदय होने की बात सोची थी, पर यहां आकर कितने थोड़े दिनों में ना जाने कितने लोगों के मन का सूर्य उदय हो गया। बस मैं इसके आगे और कुछ नहीं कह सकती, परिणाम आपके सामने। हमें गर्व है अपने स्कूल के बच्चों पर, उनकी लगन पर, और आज जो उन्होंने नई सोच, अपनी नई समझ का परिचय दिया है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो गुरु के रूप में मैंने सब कुछ पा लिया। मैं आभार प्रकट करती हूँ हमारे यहाँ के गांव के मुखिया जी का, जिन्होंने कि सब गांव वालों को एकजुट करके इस मिशन को साकार करने में हमारी इतनी मदद की। मैं धन्यवाद करती हूँ सेठ लक्ष्मीदास जी का, जो एक अनजान होते हुए भी हमारे साथ इस तरह से घुल मिल गए कि उन्हें देखकर कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो हमारे अपरिचित हैं या हमसे अनजान हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सुनंदा जी का, और अंत में मैं धन्यवाद करती हूँ विधायक श्री हरिहर नाथ जी का, जिन्होंने हमारे इस ज्ञान दान मिशन के प्रयास को सराहा और साथ ही साथ इस बात का भी वायदा किया कि इस राह पर वो हमारे साथ साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अंत में मुझे बस यही कहना है सभी गांववासियों के लिए, दीपक ये ज्ञान का जलता रहे, राह जीवन की रोशन करता रहे। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि हमारे इस ज्ञानदान कार्यक्रम में मुझे आपका, आपके गांव वालों का पूरा सहयोग मिला। बस इस क्रिया को आगे जारी रखिए। बहन जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपने ज्ञान का जो दीपक हमारे इस गांव में जलाया है, उसे हम हमेशा हमेशा यूं ही जलाए रखेंगे। बहुत बहुत अच्छा।